हम सबको संदर्भ करेंगे कि किसी भी कीमत पर इस बीमारी को रोकना है, कंट्रोल करना है। तो करना क्या क्या है उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। उसके बाद में जनता के नाम भी एक अपील जारी करूंगा कि ये सावधानी रखें, क्योंकि अब 26 जिलों में उनको बहुत सतर्क रहनी चाहिए। तो अभी आप पहले जो आपको ब्रीफ करना है, बताना है, बताना है वो बताइए। फिर फील्ड के अफसर भी अगर चाहे तो ये और करना चाहिए, वो भी जरूर बताएं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है हम इस बीमारी को खत्म करें। शुरू कीजिए। मतलब लगभग आधे से ज़्यादा प्रदेश आप उसके हम इस भरोसे में ना रहे कि नहीं हमारे यहाँ तो ठीक है। मैं मानता हूँ कि बहुत गंभीरता से इसको लेने की आवश्यकता है। पड़ोसी राज्यों में जिस तरह गाय या बाकी पशुओं की मृत्यु हुई वो दृश्य हमने देखे, किसी भी कीमत पर हमको उस स्थिति को पैदा नहीं होने देना है। ये एक तरह से पशुओं का कोविड जैसे ही, क्योंकि कई माध्यमों से ये फैलता है, मक्खी से, मच्छरों से, लार से, आपस में मिलने से, साथ रहने से, एक हो या कोई तो फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। तो बहुत गंभीर चिंता की जरूरत है। अभी आप क्या कर रहे हैं वो बताएं, क्या करना जरूरी है वो बताएं। फिर भी आप सभी प्रभावित पशुओं की संख्या ये कब तक की है, किस तारीख लिखा हुआ है इसमें, उसमें लिखा 7686 और मृत पशुओं की संख्या 101 लिखी हुई है। स्वस्थ होने वाले पशुओं की संख्या भी 5432 लिखी है। मैंने आपने जारी लेकिन कई बार मैं कह रहा था कि गंभीर नहीं है, गंभीर नहीं है, तो गंभीर है, इसको बहुत गंभीरता से रहने की जरूरत है। पहले जैसे कोविड के खिलाफ हम लड़े थे वैसे ही पशुओं का जीवन बचाने के लिए हम ये लंबी वायरस से लड़ेंगे।